कोई हुआ फ्लॉप तो किसी ने की तगड़ी कमाई, सालों बाद आए सीक्वल्स का बॉक्स ऑफिस पर रहा ऐसा हाल। दोस्तों, कमल हसन स्टारर फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस मूवी को दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये फिल्म साल 1996 में आई इंडियन का सीक्वल है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी और कोई ऐसी मूवीज हैं जिनके सीक्वल्स सालों बाद बनकर दर्शकों के सामने आने वाले हैं और ऑडियंस को उनका बेसब्री से इंतजार भी है। कुछ समय पहले ही जेपी दत्ता के निरीक्षण में बनी फिल्म बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 का भी ऐलान किया गया था। वहीं 2023 में आई गदर के सीक्वल गदर 2 को लोगों का काफी प्यार मिला था। ऐसे में चलिए जानते हैं किन किन फिल्मों के सीक्वल सालों बाद रिलीज हुए और किसके होने वाले हैं। साथ ही लंबे समय में रिलीज होने पर इससे मेकर्स का क्या फायदा और नुकसान हुआ है। सो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ रही है फिल्म गदर 2। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर साल 2001 में रिलीज हुई। इस मूवी को उस समय लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद साल 2023 में मेकर्स सेम स्टार कास्ट के साथ इसका सीक्वल गदर 2 लेकर आए, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब इसके बाद सालों बाद सीक्वल लाने पर मेकर्स को इससे काफी फायदा हुआ। लोगों का प्यार फिल्म के लिए कम नहीं हुआ। उन्होंने फिर फिल्म की कहानी को पसंद किया और इसके सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। अब अगले नंबर आ रही है फिल्म इंडियन 2। हाल ही में रिलीज हुई कमल हसन स्टारर फिल्म इंडियन 2 सुर्खियों में है। अभिनेता के फैंस को ये मूवी पसंद आ रही है। ये फिल्म करण हसन की ही 1996 में आई इंडियन का सीक्वल है। अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा पाती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट नंबर पर आती है फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। साल 1996 में आई रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में जैकी श्रॉफ, अनु अग्रवाल समेत कई स्टार्स थे। ये मूवी 1967 में आई ज्वेल थीफ का सीक्वल था। हालांकि मेकर्स को इससे कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अशोक त्यागी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी के गाने जरूर लोगों को पसंद आए। अगली फिल्म है सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही सिंघम अगेन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म साल 2014 में आई सिंघम रिटर्न्स का अगला पार्ट है। अभी तक इस मूवी के दो पार्ट्स आ चुके हैं, पहला सिंघम, दूसरा सिंघम रिटर्न्स, और अब सिंघम अगेन आने वाला है। अभी तक ऑडियंस ने दोनों फिल्मों को पसंद किया है और ये मूवी हिट हुई। अगले नंबर है फिल्म वेलकम 3। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म के दो पार्ट्स वेलकम और वेलकम बैक अभी तक रिलीज हो चुके हैं। अब इसका तीसरा पार्ट साल 2024 में आखिर में रिलीज हो सकता है। ऐसे में मेकर्स को लगभग 9 साल बाद इसका अगला पार्ट लाने से फायदा होता है या नुकसान, ये देखना होगा। अब इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आ रही है फिल्म हेरा फेरी 3। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर इस फिल्म के दो पार्ट्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं। दोनों ही पार्ट्स को लोगों से काफी प्यार मिला था। अब ऑडियंस इसके तीसरे पार्ट का वेट कर रही है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। ये मूवी अगले साल तक रिलीज हो सकती है। खैर दोस्तों, आपको इस सबको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।